धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज मैं वर्ष 2017-18 के रेल के अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब देश के सम्मान, गौरव, उन्नत के आधार, आवागमन की आवश्यकता और प्रभावी व्यवस्था की जब बात होती है, तो रेल का जिक्र और रेल का विषय सबसे पहले आता है। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत के बाद उन्होंने मुख्य बजट के साथ रेल के बजट को जोड़कर जनहित और देश हित के आधार पर हम सबके समक्ष इस सदन में प्रस्तुत किया। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सुरेश प्रभु जी के हाथ में रेल की कमान सौंपी होगी, तो स्वाभाविक रूप से उनका एक उद्देश्य रहा होगा कि रेल की दशा और दिशा में आवश्यक रूप से परिवर्तन होंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय रेल मंत्री जी को, जिन्होंने ना तो सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्यों की पूर्ति की, बल्कि उन्होंने रेल से जुड़े सभी क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान और विशेष सहयोग दर्शाकर यह साबित कर दिया कि उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ रेल के जुड़े क्षेत्रों में विकास करने की हो। क्योंकि पिछले बजट में जिस तरह का बजट उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया, स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा इसी तरह से इस देश के लिए निर्देशित होती है और दिखाई देती है। आज हमारे रेल मंत्री जी का सार्थक प्रयास पूरे देश के सामने एक सकारात्मक परिणाम के रूप में दिख रहा है। मैं साथ ही धन्यवाद करती हूँ आदरणीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी का और राजन गोहिन जी का, जिन्होंने रेलवे को विकसित मार्ग पर अग्रसित करने के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पिछले समय पर थोड़ी सी अगर नजर डालें तो हम देखते हैं कि पूर्व में रेल का सफर एक जोखिम भरा सफर माना जाता था, लेकिन अब जो रेल का सफर है वो सुविधा को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज ना करने के दृष्टि से उसको हटाकर उनके सुविधाओं को लेकर और सुरक्षित बनाने वाला एक सफर है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिस तरह से आदरणीय रेल मंत्री जी ने चिंता की है वह काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय रेल कोष के निर्माण करके 1,00,000 करोड़ की राशि की उपलब्धता कराकर आज हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने का एक जिम्मा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, 35,000 करोड़ प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक का निर्माण करना हमारे देश को विकसित मार्ग पर अग्रसित करने के लिए निर्देशित करता है और दर्शाता है 2019 तक हमारे सभी कोचों में बायो टॉयलेट की घोषणा करके हमारी सरकार ने साबित किया है, रेल मंत्री जी ने साबित किया है कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए यह घोषणा सहायक सिद्ध होती है। आज हम सभी के हाथ में एक मोबाइल फोन आता है और रेल की व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए क्लीन माई कोच ऐप लॉन्च करके SMS के माध्यम से जिस तरह से इस बेहतरी का उन्होंने एक जिम्मा उठाया है, स्वाभाविक रूप से मैं इसको धन्यवाद करती हूँ। 60,000 स्टेशनों में स्टेशनों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, 500 स्टेशनों में एक्सीलेटर्स लगाकर हमारी सरकार ने यह दर्शाया है, रेल मंत्री जी ने यह दर्शाया है कि उन्होंने ना सिर्फ सामान्य यात्रियों की सुविधा की चिंता की है बल्कि दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता की चिंता भी की है। IRCTC के माध्यम से आज देश में मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिली है, जिससे हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग में एक हमें सहायता बहुत आसानी से मिल जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और रेल मंत्रालय, और मैं तो कहूंगी कि हमारे सरकार के सभी मंत्रालय आज जितने हाईटेक हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर का उपयोग आदरणीय रेल मंत्री जी ने ना तो सिर्फ औपचारिकता के लिए किया है बल्कि संवेदनशीलता का परिचय देने के लिए भी उन्होंने इसका उपयोग किया है। मैं छोटे छोटे दो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब एक माँ, स्वाभाविक रूप से मेरे जैसी माँ और हमारे इस सदन में कई ऐसी महिला सांसद हैं जो माँ होंगी,
और जिनके लिए अपने बच्चों की से जुड़ा विषय प्राथमिकता में होता है। एक माँ जब अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी और उस बच्चे का दूध खत्म हो गया, तब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी को संदेश भेजा कि क्या आप मुझे मेरे बच्चे के लिए दूध उपलब्ध करा सकते हैं। देश के इतिहास में उपाध्यक्ष महोदय ऐसा कम ही होता होगा कि इतने बड़े पद पर बैठे जनप्रतिनिधि इतने संवेदनशीलता के साथ काम कर पाए। आदरणीय रेल मंत्री जी ने तुरंत उस ट्विटर के संदेश के माध्यम से उस बच्चे के लिए दूध उपलब्ध कराया। और ना सिर्फ यही, बल्कि मैं एक वाक्या और इस सदन में रखना चाहूंगी जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं एक महिला हूं और मुझे लगता है कि महिला के लिए सम्मान से जुड़ा विषय प्राथमिकता में होना चाहिए, और होता भी है, हर एक महिला के लिए होता है। रेल में सफर करते हुए जब एक महिला के साथ कुछ व्यक्तियों ने छेड़छाड़ की भावना से कुछ बातें कही, तो स्वाभाविक रूप से उस महिला ने ट्विटर के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी को संदेश भेजा और रेल मंत्री जी ने अगले ही स्टेशन पर उस संदेश के माध्यम से उन व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की और उन्हें दंडित कराया। तो ऐसे वाक्या आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय यह प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार देश के विकास को संजीदगी से तो ले ही रही है, साथ ही लोगों से जुड़े संवेदनशील विषय को भी अपने माध्यम से उन्हें भावनाओं के साथ प्रेरित कर रही है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूँ वह सीधी है, और सीधी संसदीय क्षेत्र का एक भाग, एक जिला सिंगरौली है। सिंगरौली हमारे देश में एक बड़ा पावर हब के रूप में माना गया है, परंतु मेरे क्षेत्र का जो मुख्यालय है सीधी, वह आज भी, दुख के साथ मैं कहूंगी, लेकिन 2.5 वर्ष के पूर्व तक की मैं बात कर रही हूँ, वह आज भी रेल की सुविधा से जुड़ नहीं पाया है। पूर्व में अटल जी की सरकार के माध्यम से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र को रेल के लिए जोड़ने के लिए आधारशिला रखी गई थी, परंतु दुर्भाग्य कहें या दुख कहें, उसके बाद की सरकारों ने हमारी इस परियोजना को, इसको संचालित करने के लिए थोड़ी सी भी राशि उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके कारण हमारी ये परियोजना लंबित रह गई। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि मैं पुरानी बातों को और उन बुरी बातों को क्यों याद करूं, बुरे दिनों को क्यों याद करूं, जब अच्छे दिन की शुरुआत हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने यहाँ पर रख दिया है। तो निश्चित रूप से अच्छे दिन को याद करते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने क्षेत्र की जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इन्होंने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना के लिए अब तक पिछले 2.5 वर्षों में 1000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हमारी परियोजना अब बिना किसी अवरोध के संचालित हो पा रही है। और मेरे विनम्र आग्रह पर, इतना ही नहीं, मैं पुनः उनके संवेदनशीलता का परिचय दूंगी, हमारे रेल मंत्रालय के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़प्पन का परिचय दूंगी कि मेरे विनम्र आग्रह पर आदरणीय रेल मंत्री जी ने आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के साथ अपनी गरिमामय उपस्थिति मेरे ऐसे क्षेत्र में दी जो क्षेत्र आवागमन के साधन से वंचित रहा और अब तक पिछड़ा रहा, और वहां पर आकर ललितपुर सिंगरौली परियोजना के लिए सीधी रीवा से सिंगरौली तक के भूभाग का भूमि पूजन किया, और भूमि पूजन के साथ उन्होंने जनता के हृदय में एक अपना निश्चित स्थान बनाया और विश्वास दिलाकर उन्होंने अपनी सरकार के प्रति, अपने कार्यशैली के प्रति एक दोगुना विश्वास स्थापित किया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं और क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उन्हें इस सदन के माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उनका आगमन वहाँ हुआ था तो उन्होंने सिंगरौली जिले से दिल्ली और भोपाल के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा की थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ और हमारे सिंगरौली जिले के लिए की गई ये घोषणा जो दिल्ली और भोपाल से नई ट्रेन के लिए है, वो शीघ्र, अतिशीघ्र पूरी हो। साथ में मैं बड़े विनम्रता के साथ यह आग्रह करती हूँ कि
हमारे संसदीय क्षेत्र का एक भाग है ब्योहारी, और जो विधानसभा कहलाता है। ब्योहारी में एक रेलवे स्टेशन आता है विजय श्रोता, विजय श्रोता में और जोबा रेलवे स्टेशन में मैं शक्तिपुंज का एक, चाहे वो भले 2 मिनट का ही स्टॉपेज क्यों ना हो, मैं आग्रह करती हूँ सदन के माध्यम से कि वे हमें ये स्टॉपेज दिलाने की कृपा करें, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ की कठिनाइयाँ इस स्टॉपेज के माध्यम से दूर हो जाएं। कटनी से चौपन जो दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय रेल मंत्री जी से कि उस कार्य को और गति प्रदान करने की जरूरत है और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। और सबसे मेरा मुख्य बिंदु ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना, जो रीवा से सिंगरौली तक की जो चल रही, जिसके लिए निर्देशित किया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने कि 2019 में ये परियोजना पूर्ण होने वाली है, तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूप में विश्वास है मुझे कि ये परियोजना पूर्ण होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः उन्हें यह आग्रह करना चाहती हूं कि अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस परियोजना के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कार्य संपन्न कराने की कृपा की जाए। धन्यवाद।